एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओपेम। आज हम लोग ओपेम को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले जानेंगे कि ओपेम की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। ओके, ओपेम्स के अंदर के ब्लॉक डायग्राम्स क्या क्या हैं। देन वी विल लर्न अबाउट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद हम लोग जीरो क्रॉसिंग सर्किट देखेंगे, देन उसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, एंड देन कंपैरेटर्स। और कंपैरेटर क्या होता है, यूजिंग ओपेम हम लोग कंपैरेटर डिजाइन करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज ओपेम। ठीक है, आज से हम लोग ओपेम स्टार्ट करने वाले। तो ओपेम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम जो होता है वो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं ओपेम। ठीक है, स्मॉल में, बट एक्चुअल में ऑप मींस होता है ऑपरेशनल। और एम्प मींस हुआ एम्पलीफायर। ठीक है, तो ओपैम्प को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में ओपैम्प बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ओपैम्प का। हम लोग पहले जानेंगे कि ओपैम्प का जो इंटरनल सर्किट होता है वो क्या होता है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, पहले हर एक चीज़ ओपैम्प के बारे में समझेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो पहले उसे क्या करना है, डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। पहले उसे क्या करना है, डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, फिर उसे सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, ये क्या है, एक टाइप का एम्पलीफायर है। तो अब हम लोग ने देखा था कि हम लोग बीजेटी और मॉसफेट दोनों को ही एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसे यूज़ कर सकते हैं, बीजेटी को भी और मॉसफेट को भी हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हम लोग ओपेम्प की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम लोगों को ओपेम्प की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोगों को क्यों ओपेम बनाना पड़ा, जब हम हमारे पास ऑलरेडी बीजेटी और मॉसफेट है जो दोनों एम्पलीफायर की तरह वर्क कर सकता है। तो इसके भी कुछ रीजंस हैं जो हम लोग आगे अभी जस्ट प्रोसीड करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ओपेम पे आएंगे तो वहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। इसके गेन बहुत ज़्यादा हाई होती है और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, इसका गेन कितना होता है। ठीक है, CMRR क्या होता है, स्ल्यू रेट क्या होता है, सॉरी, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं ओपेम्प में। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ओपेम्प। तो लिखते हम लोग, एन ओपेम्प या फिर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ डायरेक्ट कपल्ड An operational amplifier is a direct coupled differential amplifier ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा क्या होता है, इट इज ए डायरेक्ट कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है और कुछ नहीं होता। इट हैज टू इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है, इसके कितने होते हैं इनपुट टर्मिनल्स, दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। ठीक है, इसके दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है इसके दो इनपुट टर्मिनल होते हैं एंड वन आउटपुट टर्मिनल होता है। ठीक है,
टू इनपुट टर्मिनल एंड वन आउटपुट टर्मिनल होता है हमारे ओपेम्प में, ठीक है। और दो सप्लाई वोल्टेज दिए जाते हैं, प्लस वी सेट और माइनस वी सेट, ठीक है। दो सप्लाई वोल्टेज इसमें अलग से दिए जाते हैं, हमारा इनपुट टर्मिनल अलग हो गया और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वर्क करने के लिए जो सप्लाई दिया जाता है वो अलग से दिया जाता है, ठीक है। उसे हम लोग प्लस वी सेट और माइनस वी सेट बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो ओपेम्प का होता है होता है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपेम्प, ठीक है। इसको हम लोग वी वन मान लेते हैं, इस इनपुट टर्मिनल को वी टू मान लेते हैं और इस टर्मिनल को हम लोग क्या मान लेते हैं, वी आउटपुट। क्लियर है, ये क्या हमारा आउटपुट टर्मिनल है, ये हमारा इनपुट टर्मिनल है वी वन एंड वी टू, और इन दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं वी डी। वी वन और वी टू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वी डी। तो वी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डी इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू। और ये जो ओपेम्प है इसका अपना कुछ गेन होगा ए ओ एल, ठीक है। ए ओ एल क्या, ओपन लूप गेन ऑफ द ओपेम्प, इस ओपेम्प का ओपन लूप गेन है, ठीक है। तो देखिए ये वी नॉट क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज, ए ओ एल क्या हो गया हमारा ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम। ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, ए ओ एल। वी वन क्या हो गया हमारा, वी वन एंड वी टू आर इनपुट टर्मिनल्स, वी वन एंड वी टू आर इनपुट टर्मिनल्स। अभी आप बस देखते जाइए, चीजों को आपको नोट डाउन नहीं करना। देखिए चलिए मैं आपका टास्क आसान कर देता हूं। अभी आपको पहला लेक्चर जो भी होगा उसको आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, बल्कि इस लेक्चर को आपको दो बार देखना है। एक बार तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए जैसा मैं बताते जा रहा हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर का यूज किए हुए। आप बस स्पेसिफिकेशन समझिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग कैसे डील करने वाले, बस मैं ये आपको ये समझना है। आपको अभी क्या समझना, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया चीज़ है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल ही नया चीज़ है। तो आप जब तक इस पर अपना फुल कंसंट्रेशन नहीं दीजिएगा, आप हर एक चीज़ों को छोटे छोटे टर्म्स को नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम आएगी बाद में, ठीक है। तो आपको क्या करना, हर एक चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों को समझना है। अभी कोई भी पेन एंड पेपर यूज़ नहीं करना है, पूरा लेक्चर को आपको देखना है, पहले पूरा समझना है, फिर जब आप लोग क्या कीजिएगा, जब आप एक बार पूरा लेक्चर देख जाइएगा फिर नेक्स्ट टाइम फिर से इस लेक्चर को देखना है और इस बार पेन एंड पेपर का यूज़ करके सारे चीज़ को नोट डाउन करना है, ठीक है। अभी बस आपको सारी चीज़ें समझनी है कि सारी चीज़ें हो क्या रही, मतलब आपको जो टर्म्स दिख रही है क्या हो रहे हैं, ये टर्म्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपके लिए नया है, ये फिगर आपके लिए नया है, ठीक है। अभी तक आपको एक ऐसा डायोड मिलता था जिसमें यहाँ पे एक और टर्मिनल लगा हुआ था, तो डायोड से मिलता जुलता आपको कुछ लग रहा होगा, लेकिन ये डायोड बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। वी वन एंड वी टू हो गया हमारा इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है। तो वी वन को जो हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और वी टू जो होता है वो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। वी टू इन्वर्टिंग इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, और V1 नॉन इन्वर्टिंग इसीलिए क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है।